दोस्तों चलिए टेक ट्यूटोरियल में और एक नया एपिसोड का शुरुआत करते हैं। और आज भी वो प्रीवियस चीज मेंटेन करना चाहता हूँ जो है लाइट रूम। तो आज मैं सबसे पहले जल्दी से जल्दी लाइट रूम ओपन कर लेता हूँ क्योंकि आप लोगों को आज लाइट रूम में मुझे कुछ दिखाना है। दोस्तों ये मेरा टेक ट्यूटोरियल का चैनल है। लाइट रूम खुलते खुलते मैं थोड़ा इसके बारे में बोलता हूँ। ये मेरा पर्सनल चैनल है, यहाँ से मैं टेक रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। ये आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो कुछ लोगों का मेरा जो ज्ञान है, ज्ञान तो लोग बांटता ही है, मैं भी बांटता हूँ। तो चलिए इस खुशी में लाइट रूम का इंटरफेस भी खुल रहा है, आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक छोटा चीज़ बताने वाला हूँ और जो लाइट रूम के लिए बहुत ही जानना ज़रूरी है क्योंकि आज मेरे हिसाब से ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो लाइट रूम को सिखाता है। और लाइट रूम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको जानना बहुत जरूरी हो गया आज के डेट में। लगभग जितना फोटोग्राफर भाई है मेरा, ये फोटोग्राफी के ऊपर जो लोग काम करता है वो लोग लाइट रूम का बहुत ही मजा उठा सकता है अगर वो लाइट रूम में काम करे तो। तो दोस्तों मेरा जो प्रीवियस सेटअप है वो तो हो ही गया। यहाँ देखिए बहुत सारा फिल्टर पहले से ही अप्लाई किया हुआ है, देख रहे हैं ना, मैं यहाँ से आपको दिखा पा रहा हूँ। तो आज जो है प्रीसेट के ऊपर बताने वाला हूँ, जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर का अपना प्रीसेट होता है तो इस सॉफ्टवेयर का भी अपना प्रीसेट है। तो मैं चलिए कोई फोटो ले लेता हूँ, कोई मॉडल का फोटो ले लेता हूँ। एक मॉडल का अपना शक्ल उतना अच्छा नहीं है तो मैं कोई मॉडल का फोटो ले लेता हूँ। मॉडल लड़की का लोग देख के थोड़ा ज़्यादा इंप्रेस होता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक HD वाला फोटो कैसे इंस्टॉल करना है, ये मैं हाई क्वालिटी का इमेज ले लिया और लड़की बहुत ठीक ठाक है, कौन सा चाहिए मुझे, एक से बढ़कर एक है। तो मैं एक अच्छा वाला लेता हूँ, ये मुझे पसंद है और आपको क्या पसंद है ये आप ही बताएंगे कमेंट करके। तो मैं ये फोटो डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, कोई भी जगह पे सेव कर लेता हूँ, ABC नाम देता हूँ। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी काम करने से पहले उसका नाम सेव करके रखना बहुत जरूरी है, वो बहुत इफेक्टिव है। अब आ गया कि मैं हिस्ट्री स्नैपशॉट प्रीसेट ये सब तो हो गया, यहाँ से मुझे इम्पोर्ट करना है। तो इम्पोर्ट फोटोज एंड वीडियोज, ये तो पहले वीडियो में भी मैंने दिखाया, यहाँ से हम लोग इम्पोर्ट कर सकते। फिर यहाँ इम्पोर्ट का बटन आया, फिर इस यहाँ से मुझे सोर्स मतलब कहाँ से आएगा वो डालना है। तो मैंने डेस्कटॉप डाल दिया तो डेस्कटॉप में जितना फोटो है वो पकड़ लेगा। तो चलिए अपना मॉडल जो है वो आ गया और इसमें आपको कुछ ज़्यादा करने का नहीं है, ज़्यादा सिर्फ इम्पोर्ट दबाना है। तो ये फोटो अपने आप आपका पहले तो पूरा डायरेक्टरी खुल जाएगा, उसमें से इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये फोटो खुल गया। फोटो काफ़ी बड़ा है, मतलब मैंने ही जानबूझ के बड़ा फोटो लिया है कि बड़ा फोटो में एक्चुअली रेजोल्यूशन का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा रहता है, तो उसमें काम करने का मज़ा ही कुछ और है। तो दोस्तों यहाँ मैं फिल्टर अप्लाई करके दिखाऊंगा आप लोगों को फिल्टर कैसे अप्लाई होता है। ये मेरा डबल क्लिक करने के बाद फ्रेम हो गया। इसमें मैं फोटो का जो प्रीसेट है, प्रीसेट में फिर से ढूंढ के लाऊंगा आप लोगों के लिए, फिर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ फोल्डर है कलेक्शन के अंदर, ये प्रीसेट को मुझे लाना है। तो चलिए इसके बाद लाइब्रेरी में ये आ गया, इसको डेवलप मोड में जाना पड़ेगा। डेवलप मोड के जाने के बाद ही मुझे फोटो का फिल्टर मिला है, इसमें कुछ करने का ही नहीं, सिर्फ क्लिक करना है। अब ब्लर डालना चाहते हैं तो ब्लर आ गया, ठीक है, ये कोई इफेक्ट का नाम है, उस हिसाब से फोटो का कितना अच्छा चेंज हो गया। दूसरा ये, तीसरा ये, आपको जो अच्छा लगता है वही करना पड़ेगा। ये सब ब्लैक, ये लिखा हुआ है लाइट रूम ब्लैक एंड व्हाइट प्रीसेट, जिसको कलराइज्ड प्रीसेट चाहिए, जैसे कि ये देखिए इसमें मैं कलराइज प्रीसेट अप्लाई किया। तो सबसे पहले है कि मैं नॉर्मल फोटो में आ जाता हूँ जो मेरा बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि यहाँ चेंज हो गया मेरा। इसको मैं कंट्रोल जेड करके मैं फाइनल जो मेन आउटपुट है उसमें लाता हूँ, मेरा मेन आउटपुट है। इसको डेवलप में फिर से जाना पड़ेगा, उसके बाद मैं कलराइज लाइट रूम कलर प्रीसेट इसमें ऐड फोटो किया तो कलर चेंज हो, कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, नहीं तो वो अप्लाई होकर रह जाएगा। के बाद ये तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये सब प्रीसेट जो है ऑटो टोन कर दिया इसको, पहले इसका बाल बाल उतना अच्छा नहीं था, अब देखिए ऑटो टोन करने के बाद आपका क्वालिटी बहुत अच्छा हुआ। तो इस तरीके से आप फोटो के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। ये फोटोशॉप वाला जो इफेक्ट है इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या है कि फोटो का प्रीसेट डाला हुआ है, यहाँ से आप प्रीसेट
प्रेस करके ये प्रीसेट में आप अपने हिसाब से कुछ करके ये सेव भी कर सकते हैं। आप कुछ अच्छा खुद बना लिया, ये तो बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से आप प्रीसेट भी बना सकते हैं। तो दोस्तों और एक चीज, ये तो सब हो गया, लेकिन इसको निकालना कैसे? जैसे कि मैं एक कोई भी काम करता हूँ, यहाँ से आपको जो जूम करने का ऑप्शन है वो मिलेगा, इसमें डबल क्लिक करेंगे तो पिक्चर ऑटोमेटिकली जूम हो जाएगा। देख पता है यहाँ जो माउथ जो मेरा जहाँ हिल रहा है, तो मैं इसमें पांच एक इफेक्ट दे दो, चेंज हो गया। तो इसको फाइल में जाते हैं, फाइल के जाने के बाद इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद ये कहाँ एक्सपोर्ट करना है, हार्ड ड्राइव पे। फिर ये एक्सपोर्ट करने के बाद इसको कुछ फाइल का रीनेम करना है, बाकी सारा चीज मैं ऑन कर देता हूँ। उसके बाद वाटरमार्क रहेगा या नहीं रहेगा, हाँ ये सब करना पड़ेगा। उसके बाद ये एक्सपोर्ट हो जाता है। तो एक्सपोर्ट करने के बाद आप वो अपना कंप्यूटर पे रह जाएगा। और यहाँ अगर कोई पिक्चर सेव करना है, सेव क्विक कलेक्शन, इसको आप ऐसे करके सेव कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ना क्लिक क्विक कलेक्शन फॉर सेविंग, यहाँ से भी सेव होता है। और एक चीज़ है, अगर इसको आप वेब में लेके जाना चाहते हैं तो ये वेब में आ गया, क्रिएट वेब गैलरी। तो यहाँ से आपका वेब गैलरी, ये सब चीज़ के बारे में मैं डिटेल्स आप लोगों को बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है, ये एक बड़ा चीज़ है। इसको बताने से पहले आप और एक सेशन लगेगा पूरा चीज़ बताने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपका टाइटल हो गया, फोटोग्राफी, ये सब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों और जो मोटा वर्क था, जो एक्चुअली डेवलपर मोड के अंदर हम लोग थे, यहाँ से भी आप इसको राइट क्लिक करके इसके ऊपर इफेक्ट वगैरह डाल सकते हैं। तो यहाँ से ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, रिमूव फोटो कर सकते हैं, ईमेल फोटो कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से शो इन एक्सप्लोरर कर सकते हैं, तरह तरह का ऑप्शन यहाँ दिखा। सॉफ्टवेयर को लेकर थोड़ा हम लोग भी किसी से सीखा नहीं है, हम लोग भी ऐसे आपको दिखाते दिखाते कभी टाइम मिला तो थोड़ा बहुत देख के हम लोग यहाँ से इतना ज्ञान जो है वो नॉलेज गेन कर पाए। तो दोस्तों यह एक्सपोर्ट एक बार करके ही दिखा देता हूँ, डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों नहीं तो देख के समझ में नहीं आएगा। तो डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाया, कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है। फोल्डर बनाने के बाद ये एक्सपोर्ट होने का नाम दे रहा है, तो फिर एक्सपोर्ट कर दिया। और आप जानते हैं कि डेस्कटॉप में अनटाइटल नाम का एक फोल्डर बनाया था, अनटाइटल किधर गया, क्यू दबाने से आएगा या माई डॉक्यूमेंट पे हो गया मेरे हिसाब से। ये मेरा एक प्रॉब्लम ना होता रहता है, ठीक है, मैं कहाँ सेव किया मैं खुद ही भूल जाता हूँ। तो फिर से एक्सपोर्ट किया, फिर डॉक्यूमेंट्स पे है, ठीक है, बोला ना कि माय डॉक्यूमेंट्स हो गया, ये है मेरा प्रॉब्लम, माय डॉक्यूमेंट्स, यहाँ जाके न्यू फोल्डर हुआ, न्यू फोल्डर के अंदर आइटम लिस्ट है, तो ये चेंज। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको देख के अच्छा लगा होगा, फोटो चेंज हो गया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मैं भी बहुत थक चुका हूँ सारा काम निपटा के। आज संडे है, आप लोग एंजॉय कीजिए, आस्ते रहिए, मस्त रहिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। आज के लिए बाय बाय।